हेलो, इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण की एक्सरसाइज नंबर 2.1 को शुरू करने से पहले कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, उन एग्जांपल्स को देख रहे हैं। तो यहां पर इस वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 8 को देख रहे हैं। एग्जांपल नंबर 8 क्या है, उसे आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के स्क्रीन पर देख सकते हैं। बंसी हैज सम 2 रुपीज कॉइन्स एंड सम 5 रुपीज कॉइन्स। बंसी के पास कुछ 2 रुपए के कॉइन हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं और कुछ 5 रुपए के सिक्के हैं। इफ ही हैज इन ऑल अ सम ऑफ रुपीज 77, हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज ही हैव। यानी इसमें कहा है कि जो बंसी है, बंसी के पास 2 रुपए की कॉइन है कुछ, और कुछ कॉइन 5 रुपए के हैं। तो उसके पास जो 2 रुपए की कॉइन है वो 3 टाइम्स है, कितने के, जितने 5 रुपए के कॉइन है उसके पास, जितने 5 रुपए के कॉइन है ना उसके पास, उतने के 3 टाइम्स है उसके पास 2 रुपए की कॉइन। 2 रुपए के कॉइन उसके पास उतने हैं जितने कि उसके पास 5 रुपए की कॉइन है उसका 3 टाइम्स। जैसे कि सपोज डैट उसके पास 5 रुपए की कॉइन 5 है, तो उसके पास 2 रुपए के कॉइन होंगे 3 टाइम्स ऑफ 5, यानी कि 5 रुपए के 5 कॉइन है तो 2 रुपए के 3 × 5 है ना, तो यानी कि 15 कॉइन होंगे। जैसे और इसी तरह से अगर मान लीजिए 5 रुपए के उसके पास 10 कॉइन है, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो उसके पास 2 रुपए के कितने होंगे, 3 × 10 डेट इज 30 कॉइन होंगे। आप समझ रहे हैं क्या होगा इसमें। तो इसी तरह से अगर अब आप इसको जो हम संख्या मान रहे थे ना 10 की जगह हम कोई वेरिएबल मान के देखते हैं। जैसे कि 5 रुपए की जो कॉइन है उसके पास x है, मान लीजिए x कॉइन है, तो फिर 2 रुपए के कितने होंगे, 2 × x है ना, डेट इज 3 और x का मतलब 3x। समझ रहे ना आप, अगर हम 5 रुपए के कॉइन जो है उसके पास एक्स है ऐसा मान लें, तो 2 रुपए की कॉइन उसके पास 3x होंगे। ठीक है, यही हम यहाँ मान के चलेंगे और पूरे के पूरे क्वेश्चन को फिर यहाँ करेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन में फिर क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि जो उनके पास, उसके पास जो 2 रुपए के कॉइन है और 5 रुपए की कॉइन है, उससे जो भी अमाउंट आता है, 5 रुपए की कॉइन से कुछ तो अमाउंट आएगा। जैसे कि मान लीजिए अभी हमने 10 माना था, तो 10 के 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो 5 × 10 डेट इज 50 है ना, और 2 रुपए के कॉइन है तो कितने हो गए, तो 10 × 3 = 30 यानी कि 2 × 30 = 30 कॉइन होंगे उसके पास, मतलब 2 × 3 = 6 60 रुपए होंगे, यानी कि ऐसे करके। तो टोटल जो अमाउंट बनता है 5 रुपए के कॉइन और 2 रुपए के कॉइन से मिला के जो टोटल अमाउंट बनता है, कितना रुपया उसके पास हो जाता है, कितना मनी हो जाता है, वो आ जाता है 77। वैसे यहाँ पर इन दोनों को ऐड करें तो कुछ और ही आएगा, लेकिन उनको ऐड करने से 77 आता है। टोटल जो कॉइन है उसके पास 5 और 2 के, उनसे मिला के जो अमाउंट आता है वो 77 आता है, ऐसा बोला है। तो चलिए इसको पहले इतना करते हैं, जितना भी हमने आपको समझाया था मानने का सिस्टम, कि लेट करते हैं कितना क्या है। ठीक है, तो आपको ये भी यहाँ पर और अच्छे से समझाएंगे। लेट बंसी हैज ₹5 कॉइन इक्वल एक्स। बंसी के पास 5 रुपए के कॉइन एक्स हैं, तो फिर ही हैज, यहां पर हैज लगाना रह गया, ही हैज 2 रुपी कॉइन। 2 रुपी कॉइन्स कितने हैं, तो जितने 5 के हैं उसके 3 टाइम्स है ना, तो 5 के तो एक्स हैं, तो इसलिए 3x हो गया, 3 टाइम्स इसके यानी कि 3 गुना, तो 3x हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अब क्या करना है। अब यहाँ पर 2 रुपए के कॉइन से और 5 रुपए के कॉइन से कितना अमाउंट हो गया उसके पास, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब 5 रुपए के कॉइन से और 2 रुपए के कॉइन से इसके पास कितना अमाउंट हो गया। ठीक है, तो अमाउंट
फ्रॉम 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन्स कितना हो जाएगा? देखिए 5 रुपए के कॉइन उसके पास कितने हैं, x। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे उसके पास 5 रुपए के कॉइन अगर 3 होते तो उसके पास कितने रुपए हुए, 5 रुपए के कॉइन उसके पास 3 है, तो इसका मतलब 5 का 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 15। इसी तरह से 5 रुपए के उसके पास जो कॉइन है वो x है ना, संख्या में x है, तो इसलिए 5 रुपी का हमने मल्टीप्लाई कर दिया x में, मतलब 5x है ना। उसके पास जो अमाउंट बन गया 5 रुपए के कॉइन से वो 5x हो गया, ठीक है, उसके पास 5x मनी है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से यहाँ पर अमाउंट फ्रॉम टू रुपी कॉइन्स वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 into, अब 2 रुपए के कॉइन कितने हैं उसके पास, 3x है, तो 2 का मल्टीप्लाई 3x में कर दीजिए, है ना, 3x में, तो क्या हो जाएगा, आप देखिए 2 3 6 6x, यानी कि 2 रुपए के कॉइन से उसके पास 6x मनी हो जाता है और 5 रुपए के कॉइन से उसके पास 5x मनी हो जाता है, ठीक है। तो टोटल मनी उसके पास कितना हो जाता है इन दोनों से मिला के, ऐसा क्वेश्चन में बताया कि 77 हो जाता है, मतलब इन दोनों को ऐड कर दें अगर तो टोटल अमाउंट जो आता है वो निकल आएगा हमारा, और वो दिया है 77, ठीक है। तो यहाँ लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अनुसार अमाउंट फ्रॉम 5 रुपी कॉइन्स प्लस अमाउंट फ्रॉम 2 रुपी कॉइन्स इक्वल कितना है, 77, ठीक है ना, 77 है। अमाउंट फ्रॉम 5 रुपी कॉइन्स प्लस अमाउंट फ्रॉम 2 रुपी कॉइन्स इक्वल्स 77 आता है, तो अभी अमाउंट फ्रॉम 5 रुपी कॉइन्स कितना है, 5x, तो यहाँ 5x लिख दीजिए, और प्लस अमाउंट फ्रॉम 2 रुपी कॉइन्स तो वो है 6x इक्वल्स 77, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं यहाँ तक कैसे क्या हुआ। इसके बाद अब आप देखते हैं ये क्वेश्चन, अब यहाँ पर अब ये एक इक्वेशन बन गया है, इक्वेशन जिसको आप अब तक सॉल्व करते आए हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 में। तो देखिए यहाँ पर अब इनको क्या करना है, 5x और 6x को ऐड कर दीजिए, दोनों में वेरिएबल लगा है इसका मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 6 and 5 11, 11x इक्वल 77। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको यहाँ करूँगा, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर अब 11x, 11 और x का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x और 11 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 11 का जब मल्टीप्लाई हो रहा है इधर भेजेंगे तो क्या होगा, डिवाइड में जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई वाला जो भी नंबर होता है उधर जाके डिवाइड में पहुँचता है, इसलिए यहाँ पर x इक्वल्स क्या आया, 77 के अपॉन में ये 11 आ गया, ठीक है, तो इक्वल अब 11 से 77 को डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा, 11 7 77, है ना, इसका मतलब 7 आया, तो x इक्वल्स 7 आया। यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड हो गई है, जबकि उसमें क्या पूछा था कि प्रत्येक डिनोमिनेशन के जो कॉइन हैं वो कितने कितने हैं, यानी कि 2 रुपए के कॉइन कितने हैं और 5 रुपए के कॉइन कितने हैं, वो हमें यहाँ पर बताना है, हमें x की वैल्यू नहीं फाइंड करनी थी, केवल x की वैल्यू फाइंड होने से अब हमें ये पता लग जाएगा कि 5 रुपए के कॉइन कितने हैं और 2 रुपए के कॉइन कितने हैं, तो यहाँ हम फाइनल लिख रहे हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज इक्वल्स कितना होगा, देखिए 5 रुपए के कॉइन कितने थे, x ही थे, तो इस कारण से जो 5 रुपए के कॉइन हैं वो 7 हो गए, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज 2
है ना, तो वो क्या हो जाएगा 3x, तो 3 इंटू एक्स है ना, मतलब 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह यहाँ ये 7 रखेंगे है ना, तो 3 7 21, मतलब 2 रुपए के जो कॉइन है उसके पास वो 21 है और 5 रुपए के कॉइन उसके पास 7 है। ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब मैं आपको ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ कि क्या ये एकदम सही है, क्या उसने ये बोला था कि 5 रुपए के कॉइन और 2 रुपए के कॉइन जितने हैं उसके पास उससे टोटल अमाउंट जो है वो 77 आता है, क्या ऐसा हो रहा है वास्तव में। चलिए यहाँ पर चेक करके दिखाता हूँ आपको, 5 रुपए के कॉइन 7 हैं और 2 रुपए के 21 है। ठीक है, तो 5 रुपए के 7 थे तो 5 × 7 है ना, और प्लस 2 रुपए के थे 21, तो अब क्या आएगा, देखिए 5 × 7 = 35 और प्लस 21 × 2 = 42, अब इन दोनों को ऐड करने से 77 आना चाहिए, तो 5 × 7 = 4 × 3 = 7 है ना, यानी कि हमारा क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो एकदम करेक्ट आया है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर चेक भी कर लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन वहीं पर हो चुका था। ये मैंने आपको केवल ये दिखाया था कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं, इस चीज़ को चेक कर लेते हैं हम इस तरह से। ठीक है,